हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके दा हुडी गाइस स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दिस ईयर थिंग्स वर लुकिंग अप टिल फरवरी मार्च एस कोरोना के केसेस सलमान खान की मूवीज की क्वालिटी की तरह गिरते जा रहे थे और नंबर ऑफ थिएटर्स एंड व्यूअर्स विजिटिंग दीज थिएटर्स हॉलीवुड मूवीज के फैंस की तरह बढ़ते जा रहे थे। पर कोरोना की सेकेंड वेव ने सारे ऑप्टिमिज्म पर पानी फेर दिया एज कोविड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है एंड अगले दो महीना तक तो एटलीस्ट आई डोंट सी अ प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज फॉर एनी बॉलीवुड मूवी। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए आफ्टर राधे हाइब्रिड रिलीज और शुड आई से राधे ओटीटी रिलीज, बेल बॉटम मेकर्स भी डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवी को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। बेल बॉटम के बारे में आगे और बात करने से पहले याद दिलाना चाहूंगा, इफ़ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, मूवी रिलेटेड न्यूज़ और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। सबसे पहले न्यूज़ अबाउट बेल बॉटम रिलीजिंग डायरेक्टली ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म केम आउट इन जनवरी, बट बाद में न्यूज़ आई कि मेकर्स यानी कि जैकी भगनानी, वाशु भगनानी एंड निखिल अडवाणी, इन तीनों ने फिल्म की मार्केट वैल्यू गॉज करने के लिए इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया था एंड दे डिड नॉट इंटेंड टू रिलीज इट डायरेक्टली ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। फरवरी में जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स ने थिएटर्स को इंक्रीज ऑक्यूपेंसी पर काम करने की इजाज़त दी, बॉलीवुड फिल्म मेकर्स स्टार्टेड अनाउंसिंग द रिलीज डेट ऑफ देयर मूवीज एंड बेल बॉटम मेकर्स ऑल्सो अनाउंस द रिलीज डेट ऑफ देयर मूवी। अगर कोविड की सेकेंड वेव ना आती तो बेल बॉटम को 28 मई को रिलीज होना था थिएटर्स में, सलमान खान की राधे की रिलीज के 2 हफ्ते बाद और रणवीर सिंह फ्रंटेड 83 की रिलीज से 1 हफ्ते पहले, विच इन माई ओपिनियन वॉज अ वेरी बैड एंड सैंडविच रिलीज डेट फॉर अ बिग मूवी लाइक बेल बॉटम। एनीवेज, जैसे ये बात क्लियर हुई कि मई में मूवीज वोंट रिलीज नॉर्मली इन थिएटर्स एज कोरोना के केसेस की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है, मेकर्स ऑफ बेल बॉटम अपनी इंटरनल डिस्कशन के बाद डिसाइडेड टू अप्रोच डिज्नी प्लस हॉटस्टार। वैसे तो इस मूवी के डिजिटल राइट्स वर प्री सोल्ड टू अमेजॉन प्राइम, पर वो तब था जब मूवी को नॉर्मल थिएट्रिकल रिलीज मिलती एंड थिएट्रिकल रिलीज के कुछ हफ्ते बाद मूवी अमेजॉन प्राइम पर आती। बट अब सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं एज मेकर्स आर थिंकिंग ऑफ इधर डायरेक्ट ओटीटी रिलीज और हाइब्रिड रिलीज, जिसके लिए अमेजॉन प्राइम ने 125 करोड़ के अराउंड को ऑफर दिया है मेकर्स को, पर मेकर्स 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो दे अप्रोच डिज्नी प्लस हॉटस्टार जिनसे फाइनल राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहा है। इनसाइड बस ये है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कुछ ऑफिशियल्स हैं मूवी के कुछ रशेस देखे हैं एंड दे आर माइटी इंप्रेस्ड, सो जो मेकर्स ने डिमांड किया है वो देने में डिज्नी प्लस हॉटस्टार को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो अक्षय कुमार की लास्ट फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 140 करोड़ में खरीदी थी फॉर डायरेक्ट ओटीटी रिलीज वॉज अ बिग हिट फॉर देम, तो ऐसा लगता है वी माइट गेट टू सी इवन बेल बॉटम ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रेटी सून। इस सबको देख के मेरी रिस्पेक्ट फॉर रोहित शेट्टी, करण जौहर एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट हैज ग्रोन मैनी फोल्ड्स। मुझे नहीं पता कि अब भी वो सूर्यवंशी को थिएटर्स में ही लाएंगे या नहीं, पर मूवी को 1 साल से ऊपर होल्ड पे रखना इन ऑर्डर टू स्टैंड विद देयर बिजनेस पार्टनर्स दैट इज एग्जीबिशन सेक्टर इज अ बिग बिग थिंग। और एक तरफ ये भगनानीज हैं, वो कांट वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स एज इस मूवी की शूटिंग लास्ट ईयर सेप्टेम्बर अक्टूबर में ही कंप्लीट हुई है। इन माई ओपिनियन इफ अक्षय कुमार कैन पिच इन ही शुड मेक श्योर कि बेल बॉटम थिएटर्स में ही रिलीज हो। आई नो अक्षय की काफ़ी मूवीज बन के रेडी हैं, पर रादर देन रिलीजिंग दिस मूवी ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म विच इन माई ओपिनियन कैन गेट हिम गुड नंबर्स ऑन बॉक्स ऑफिस, ही शुड लेट अतरंगी रे गो टू ओटीटी प्लेटफॉर्म एज आई डोंट थिंक दैट मूवी हैज एनी चांस टू डू बिग बॉक्स ऑफिस नंबर्स फॉर हिम। सो इससे अक्षय कुमार की मूवी लाइनअप का क्लटर भी कम हो जाएगा एंड ही विल नॉट लूज बॉक्स ऑफिस विनर्स टू ओटीटी प्लेटफॉर्म। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।